आज हम रसगुल्ला बनाने जा रहे हैं। दूध खौल रहा है, दूध में ही रसगुल्ला को खौलाएंगे। ये इतना छेना है, इसको मैस के लड्डू गोल गोल बना के इसको दूध में ही डालेंगे। इतना मिश्री है, थोड़ा सा मिश्री डालेंगे क्योंकि हम खाली दूध में ही रसगुल्ला बनाएंगे। देखिए इसको मैश के एकदम चिकना कर दिए हैं, एकदम चिकना हो गया है। अब इसको हम गोल गोल करके दूध में डालेंगे। देखिए हाथ पूरा तेल तेल हो गया है, घी घी इसी तरह पूरा मैसना पड़ेगा तभी सही बनेगा। देखिए पूरा गोल गोल करके ऐसा ही हम सब डालेंगे। इससे हमको रहा हो गया कि चाशनी का भी अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं हुआ, दूध में ही खोलेगा। इसमें मिश्री डाल दिए हैं और उसी में ये छेना गोल गोल करके मैस के डाल देंगे तो ये छेती भी हो जाएगा, रसमलाई भी बन जाएगा और फिर रसगुल्ला भी हो जाएगा। जो दूध में चीनी में लोग खौलाते हैं तो खराबी भी करता है चीनी, तो उससे अच्छा है कि दूध में खौलाइए। अब सब आदमी आराम से खा सकते हैं, शुगर उगर वाला सब कोई खा सकते हैं। इसमें कम मिश्री में भी ये अच्छा मीठा हो जाता है। इसको छूना नहीं है, हल्का हल्का दूध को ऐसे ऐसे चलाना है नहीं तो टूट जाएगा। देखिए पूरा तेल छोड़ा है तभी ये बनेगा, पूरा मैसना पड़ता है नहीं तो ठीक नहीं बनेगा। अब बनेगा तब हम आपको दिखाएंगे। अभी वो सीझ रहा है, देखिए फूल फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए फूल फूल के पूरा बड़ा बड़ा हो गया है। ये अभी तनिया और सीझेगा, तनिया और बढ़ा जाएगा ना तब मलाईकरी का भी काम हो जाएगा, रसगुल्ला का भी काम हो जाएगा। तो बना कर कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इसमें दो ठो इलायची है, दो गो इलायची है कुछ दिए हैं और थोड़ा सा एथी है क्या उसको थोड़ा सा देरी और
अथी होगा सूखेगा दूध थोड़ा और सूखेगा और वो भी सीख जाएगा, रसगुल्ला भी सीख जाएगा। रसमलाई बन गया और रसगुल्ला भी बन गया। इसको सब आदमी खा सकता है क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा मिश्री डाले हैं। देखिए ये मलाई करी तैयार हो गया, देखिए पूरा बड़ा बड़ा हो गया फूल फूल के और पूरा अच्छा हो गया। देखिए एक काट के दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए एकदम फुल्लुक बना है, एकदम मस्त बना है मलाई करी। देखिए एकदम मस्त बना है कटा हुआ, देखिए काट के दिखा दिए, एकदम मस्त बना है, पूरा गाढ़ा है। ऐसा तो होटल में भी आपको नहीं देगा गाढ़ा इतना। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर में भी बनाकर खा के देखें कितना स्वादिष्ट लगता है। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि कैसा बना है, कैसा देखने में लग रहा है। खुद बना के खाइएगा तो खुद पता चल जाएगा आपको। देखिए एकदम गाढ़ा इसका रस बना है।